वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होता, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से कभी भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख और गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको पूरी ज़िंदगी झेलने पड़ते हैं। सबक छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही पर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। मन करता है कि बारिश में रख दूँ जिंदगी को ताकि धूल जाए पन्नों की स्याही। जिंदगी को फिर से लिखने का मन करता है कभी कभी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।